शराब घोटाले च मनीष सिसोदिया ते संजय सिंह तो बाद हुण आप सुप्रीमो ते दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम मामले नाल जुड़ता नजर आ रहा। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच का सेक हुण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुँच गया है ते हुण ईडी ने समन जारी कर दिए हैं। ईडी ने आबकारी नीति नाल जुड़े मनी लांडरिंग मामले में पुछगिछ लई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। इस तो पहला मनीष सिसोदिया ते संजय सिंह इस मामले में जेल में बंद हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को PMLA यानी कि मनी लांडरिंग रोकू कानून के तहत समन जारी किए गए हैं। सूत्रों अनुसार एजेंसी दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी सामने पेश होने तो बाद मुख्यमंत्री के बयान दर्ज करेगी। अजिहे समय च ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुछगिछ लई बुलाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को झटका दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के आगू और दिल्ली के सबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दो वख-वख जमानत पटीशनों रद्द कर दिता है। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में दायर चार्जशीट में कई बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है और कहा है कि दोषी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने लागू करने में आम आदमी पार्टी नेता के संपर्क में सन। हालांकि बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी। सूत्रों मुताबिक इस महीने के शुरू में गिरफ्तार किए गए आप के संसद मैंबर संजय सिंह तो पुछगिछ के आधार पर मामले में कुछ नवे खुलासे सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नवे सुराग से अरविंद केजरीवाल तो स्पष्टीकरण मंगया जाएगा। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को पुछगिछ लई बुलाया गया। इस तो पहला 16 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर केजरीवाल तो CBI ने इस मामले च 9 घंटे तो वध समय तक पुछगिछ की सी। आम आदमी पार्टी के 2 सीनियर आगू मनीष सिसोदिया ते संजय सिंह इस समय दिल्ली शराब घोटाले नाल संबंधित मनी लांडरिंग मामले में लंबे समय तो सलाखा के पिछे हैं। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बना बनाकर, झूठे आरोप लगा लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है।